नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है कि गाय के जनने के 24 घंटे से लेकर 48 और 72 घंटे तक के हमको क्या विशेष सावधानियां रखना है, ऐसे कौन से काम करना है जिससे कि अच्छे से काल्विंग हो और ट्रांजिशन डिसीज जैसे कि किटोसिस, मेस्टाइटिस, मेट्रेसिस, इन सब से गाय परेशान ना हो और वो अपनी पूरी क्षमता पर दूध दे पाए। गाय के जनने की टेक्निकल तरह से तैयारी करने के लिए इस वीडियो को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला सप्लीमेंट, दूसरा फीड, तीसरा प्रिकॉशन सावधानियां। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MP डेयरी वाला में। गाय की डिलीवरी की तैयारी करने के पहले लास्ट के 60 दिन में हमको तैयारी करना रहता है और उसमें एक विशेष फीड जिसको हम ट्रांजिशन फीड बोलते हैं वो खिलाना रहता है। इस फीड को हम घर में कैसे बना सकते हैं, गाभिन गायों के लिए संतुलित आहार कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर मेरे चैनल पर वीडियो डाला है, आप जरूर जाके देखिए। गाय की जनने की टेक्निकल तरीके से तैयारी करने के लिए इस वीडियो को 3 भागों में जो बांटा है उसमें सबसे पहला भाग है सप्लीमेंट का और उस सप्लीमेंट का नाम है कैल्शियम। ये आपके डेयरी फार्म पे गाय के जनने के समय होना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाय भैंस जैसी जनती उनके शरीर से दूध तेज़ी से बनने लगता है और दूध के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। 1 लीटर दूध पे 3.2 ग्राम कैल्शियम गाय के शरीर से बाहर निकल जाता है। ये जो कैल्शियम बाहर निकल रहा है उसकी पूर्ति गाय अपनी हड्डियों से करती है। अब ये हड्डियों में जो कैल्शियम की कमी आ रही है इसको हमको सप्लीमेंट के फॉर्म में गाय को वापस से देना पड़ेगा। अगर हम ये कैल्शियम उसको उस रेट में जिस रेट में दूध के साथ कैल्शियम बाहर निकल रहा है अगर नहीं दे पाएंगे तो लेमनेस जो बीमारी होती है गाय बैठ जाती है और फिर उठ नहीं पाती है, ये बीमारी उसमें हो जाएगी। ये बीमारी मिल्क फीवर जो है उसको इन्हेंस करेगी, इसको हाइपोकैल्शियमिया भी कहते हैं। इस मिल्क फीवर होने के कारण बाकी की सारी समस्याएं जैसे कि मेस्टाइटिस, मेट्राइसिस, कीटोसिस, ये सारी बीमारियां उसके शरीर में शुरू हो जाएगी। कैल्शियम के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है अपने चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। अब ये कैल्शियम देना कैसे है, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जिनमें जो भी आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। उसमें आपको 300 ml के 3 आपको पैक साइज लेना है और गाय को जनने के 2 घंटे पहले पहला, गाय के जनने के 6 घंटे बाद दूसरा और गाय के जनने के दूसरे दिन मतलब आज गाय जनी है तो कल तीसरा आपको ये पैक पिलाना है। मतलब आपको कुल मिला के 900 ml 3 बॉटल आपको गाय को पिलानी है। अब दूसरा सप्लीमेंट है गाय की यूट्रस की क्लीनिंग के लिए और जेर गिरवाने के लिए ताकि आसानी से जेर गिर जाए, इसका नाम है यूट्रीवाइप। आप और भी कंपनी के प्रोडक्ट ले सकते हैं जो भी जेर गिराने में और क्लीनिंग के लिए सहायक होते हैं, आप अपनी चॉइस से दुकानदार से पूछ के अपने हिसाब से वो प्रोडक्ट ले सकते हैं, मगर इसको देना ज़रूरी है। ये देने से गाय की यूट्रस की क्लीनिंग हो जाती है और जेर बड़ी आसानी से निकल जाता है। अब आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट ले उसमें देने का तरीका यह है कि आधी बॉटल आप पहले दिन जिस दिन गाय जनी है उसके 1 घंटे के भीतर आप उसको दे दीजिए ताकि आसानी से जेर गिर जाए और बाकी की आधी बॉटल 2 भागों में अगले दिन और उसके नेक्स्ट दिन मतलब 3 दिनों तक के आप उसको बॉटल को पिला सकते हैं। पार्ट टू भाग 2 में है जरूरी फीड। फीड ऐसा होना चाहिए जो कि सुपाच्य आसानी से पचने वाला हो और दूसरा उसमें हाई एनर्जी हो क्योंकि गाय को इस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो सबसे आसान काम तो आप ये कर सकते हैं कि आप साइलेज खिलाइए, जितना भी वो खाती है उतना साइलेज खिलाइए क्योंकि बहुत सुपाच्य होता है और एनर्जी भी देता है प्रोटीन के साथ में। और दूसरा है एक अच्छी एनर्जी डाइट दलिया, जिसको हम एक स्पेशल टाइप तरीके से बनाने वाले हैं जिससे कि गाय ज़्यादा से ज़्यादा दूध बना पाएगी और साथ में आराम से पचा के एनर्जी ले सकती होगी। अब एक 3 kg दलिया बनाने का मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, आप इसको ऊपर नीचे अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ है आपको लेना है गेहूं की दलिया 2 kg, इसके अंदर बहुत प्रचुर मात्रा में आपकी गाय के लिए कार्बोहाइड्रेट होगा। दूसरा गुड़ लेना है आपको 700 ग्राम, इसमें प्रचुर मात्रा में आपकी गाय को एनर्जी मिलेगी साथ में आयरन भी मिलेगा। फिर मेथी के कितने उपयोग है आप सामने देख सकते हैं, इसको लेना है आपको 100 ग्राम। अजवाइन डाइजेशन के लिए, अच्छा डाइजेशन के लिए आपको लेना है ये जो कि 50 ग्राम लेना है। हल्दी बेस्ट एंटीबायोटिक है, आपको इसको डालना ही है, ये 50 ग्राम आपको लेना है। जो दलिया बनेगी वो सरसों के तेल में बनेगी और वो बस कम मात्रा में 50 ग्राम आपको लेना है। और आखिरी में नमक 50 ग्राम आपको नमक भी लेना है। अब इस तरह से आपको इसकी एक दलिया बना के पका लेना है और पकाने के बाद जब ये ठंडी हो जाए तब आपको अपनी गाय के लिए ये 1 दिन की खुराक होगी ये आपको देना है। ऐसे आप 3 दिन तक के आप दे सकते हैं, इसके साथ में जो भी साइलेज बाकी दाना आप देते हैं गाय को वो देते रहिए। अब है भाग 3 जिसमें आपको क्या सावधानियां रखना है गाय के जनने के समय वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर ऑन अ कॉल, मतलब आप एक फ़ोन करें और 10 मिनट के अंदर आपके यहाँ डॉक्टर पहुँच जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा इंट्रा मेमोरी ट्यूब जो थनेला होता है और थनेले के बाद में गाय को थन में ट्यूब लगाया जाता है, वो आपके फॉर्म पे 4 ट्यूब कम से कम होने चाहिए।
तीसरा, अगर आप चाहे तो विक्की पंसारी जी का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट थन सेफ के नाम से आता है, जो 950 या 1000 रुपये में मिल जाएगा। वो आप अपने फॉर्म पे रखेंगे और थनेला होने की थोड़ी सी भी आशंका हो तो आप अपने जैसा बताया गया है वैसे अपने गाय को भैंस को देंगे तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से तैयारी रखने से आप किसी भी प्रकार की गाय को समस्या होने पे आप पहले से ही तैयार रहेंगे और आप प्रिकॉशनरी तौर पे जो काम करना है वो कर चुके होंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।